एक बड़ी खुशखबरी ये है कि आज हम पूर्व एमपी कई बार के विधायक हमारे सीनियर लीडर श्री रघुवीर मीणा साहब के घर पर हैं और समस्त कार्यकर्ता जिनके अंदर एक टिकट कटने को रोष था, जिनके अंदर गुस्सा था, उन सब लोगों से आदरणीय रघुवीर जी ने, मैंने, हमने मिलकर एक आग्रह किया कि अपने इस्तीफे वापस लें और कांग्रेस के काम में लगें। और मैं धन्यवाद देता हूं मीणा साहब का कि उन्होंने सबको मना लिया, सब लोग अब कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे और चुनाव तक जी तोड़ मेहनत करेंगे। कांग्रेस के अंदर कोई फूट नहीं है, कांग्रेस सलूम्बर में जीत रही है। 2 मिनट के लिए अब हमारे सम्मानीय एमपी साहब भी फरमाएंगे। चांदना साहब के प्रयास से और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी दूरभाष पे हमें आदेश दिया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी टेलीफोन आया, सबसे बातचीत हुई और ये निष्कर्ष निकला कि जिन कार्यकर्ताओं ने टिकट डिक्लेरेशन के बाद जिन पदाधिकारियों ने आवेश में आके नाराजगी व्यक्त की, इस्तीफे दिए, तो हम सब इन सबको मना मनो के आज हम इकट्ठे हुए हैं और ये तय किया कि कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, उनके साथ हम धोखा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जितना भी हम काम कर सकेंगे बूथ पे वो निश्चित तौर पे करेंगे, पार्टी को जिताएंगे, ये संकल्प सबने लिया है। और आज से हम सभी, हमने अपील की है सभी पदाधिकारियों से कि अपने अपने इस्तीफे वापस लें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें। और मैं सब कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे मुख्य पर्यवेक्षक हैं अशोक जी चांदना, जो पूर्व खेल मंत्री भी हैं, और पीसीसी की तरफ से, आईसीसी की तरफ से मुख्य पर्यवेक्षक लगाए हैं, तो इनको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे कार्यकर्ता निश्चित तौर पर ईमानदारी से काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री रघुवीर मीणा जिंदाबाद। बहुत बहुत